मेरा मतलब है यहाँ क्यों आए? अपनी मोहब्बत के लिए, और मेरी मोहब्बत की गवाही ये हसीन गुलाब। आसिफ भाई ने दिया? वाह भाई, और तुमने तोड़ दिया माला? नहीं यानी, मैं तो बस उन फूलों को रख कर गई थी, पता नहीं कैसे टूट गया। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें हाथ से नहीं कर दूंगी। मेरे और माला के बीच जो आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। एनी, तुम मुझे एक फेवर दोगी प्लीज? क्या? अम्मी को जाकर बोलो ये शादी नहीं कर सकती। होश में हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हैनी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, तुम मेरी जगह पर आकर देखो तो तुम्हें पता चले। ये तो जान पे बनी हुई है। वो मुझसे नाराज है, बहुत गुस्से में। कौन है माला? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? बात को मत टालो, जो पूछ रही हो उसका जवाब दो। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात से तो शादी नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज। नहीं करनी ना तुम्हें शादी? तो ठीक है, चलो और जाके सबके सामने इनकार करो। चलो। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? चलो ना, नहीं करनी ना तुम्हें शादी तो जाके सबके सामने इनकार करो फिर। मैं कैसे कर सकती हूँ? क्यों माला, तुम क्यों नहीं कर सकती इनकार? अम्मी वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कभी तुमने सोचा है क्या होगा इनकार के बाद? माला, कार्ड पड़ चुकी है, शादी हॉल बुक हो चुका है, सारी तैयारियां चल रही हैं। तुम्हारे इनकार के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अम्मी अब्बू टूट जाएंगे, तरह तरह की लोग बातें बनाएंगे, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम। एन वक्त पर शादी कैसे खत्म हो गई, किसी को जवाब दे सकोगी इस सवाल का? कोई तुम्हारे ख्वाबों पे यकीन नहीं करेगा माला। माला मत डरो यार, निकल आओ इस ख्वाब के सराब से। देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो हो रहा है ना उसे होने दो। मुझे डर लगता है किसी को कुछ हो ना जाए। मत डरो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा यार। अच्छा रोना बंद करो, चुप हो जाओ, इधर आओ, इधर आके बैठो। खौफ तो दिल में बैठना ही था। हद है, ये लड़की भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। जब बच्चियों को जिनों भूतों की कहानियां सुनाई जाएंगी, और वो भी वो जिन भूत जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ कहानियां ही हैं। साफ कहो, कहना क्या चाह रही है? अल्लाह जन्नत नसीब करे आपकी अम्मी जान को। लाख में उन्हें कहा करती थी, अम्मी जान बच्चों को जिनों भूतों की कहानियां ना सुनाया करे। लेकिन मजाले अम्मी जान ने कभी मेरी बात सुन के दी हो। तो फिर लड़कियों ने क्यों असर लिया भाई? किससे कहानियां ही थी ना। जब बच्चियां जिन्नों भूतों की कहानियां सुनेंगी तो उनके जहनों पर तो असर पड़ेगा ना, और पड़ गया। माला को पता नहीं कौन सा धुआं कौन सा हिवला नजर आता है, जिसका वहम लेकर बैठ गई है। अच्छा तो फिर एनी ने क्यों असर नहीं लिया उसका? आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि एनी आपकी अम्मी जान के साथ कम वक्त गुजारती थी। एनी को नींद आ जाती थी, वो फौरन मेरे पास आ जाती थी, मेरे साथ सोती थी। ये माला ही मोहतरमा थी जो सारी रात अम्मी जान के साथ गुजारती थी और जिन्नों भूतों की कहानियां सुनती थी। पड़ गया सर, सारी जिंदगी भुगतेंगे, जवान बच्ची है क्या करेंगे उसका। खाला अम्मा, वो भाभी से बात करें ना। अरे भिन्नो, क्या पहेलियां बुझवा रही है, खुल के बताना, किससे बात करूं, क्या बात करूं? माला की शादी के साथ ही एनी की भी रुखसती कर दे। अरे बेटा कैसी अजीब बात कर रही हो,
تم کیا یہ چاہتی ہو کہ حسنہ کی دونوں بیٹیاں ایک ساتھ ہی گھر سے چلی جائیں اور اس کا گھر سونا ہو جائے؟ اس کے بارے میں بھی تو سوچ لینا کہ وہ کیا کرے گی بیچاری پھر. ارے خالہ اماں ان کے پاس سترا ہے نا, مجھے نہیں پتا, آپ بات کریں بھائی سے. اچھا بھائی اچھا, میں بات کرتی ہوں ماجد سے, بات کر کے دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے. کہنا کیا ہے, مجھے پتا ہے آپ کی بات کبھی بھی نہیں ٹالیں گے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن دیکھو وہ ماں باپ ہیں, انہیں پورا حق ہے سوچ سمجھ کر جواب دینے کا. خالہ اماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں انصر کے بارے میں سوچوں. ارے بینو یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ہتھیلی پر سرسوں ہی جما لو. پتہ ہے کیا, میرا تو دل کرتا ہے کہ وقت کو پر لگ جائے, میری بہو میری آنکھوں کے سامنے گھر میں دوڑتی پھر رہی ہو بس. آئے آئے کیوں نہیں, انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا, تو کیوں پریشان ہوتی ہے. بیٹھو, کیسی طبیعت مالا؟ بہتر ہے. ہاں اینی, گھر میں کیا کوئی بھی نہیں ہے؟ امی مارکیٹ گئی ہوئی اور بھابھی کو تو تمہیں پتہ ہی کمرے میں ہوں گی, بھائی اور ابو اس ٹائم آفس ہوتے ہیں. ویسے خالہ امی ابھی تک نہیں آئی؟ ان کا آنا جانا تو اب لگا رہے گا. یہی بات ہے, ماشاء اللہ سے اس عمر میں بھی کتنی ایکٹیو ہیں وہ. یہ تو ہے. مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی. بولو. اینی فون تو رکھو, میری بات سن لو پلیز. کیا ہے مالا؟ اینی وہ بولو نا, جو کل باسط نے فلاورس دیے تھے نا, اس کا یوں گرنا اور اس واس کا ٹوٹنا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. نہیں اچھی اچھی فیلنگس نہیں آ رہی ہیں. کیا مطلب ہے مارا, کیسی فیلنگس؟ میرا مطلب ہے کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اس طرح یہ سب کچھ ہونا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے, کہنے دو, تم زیادہ سوچا مت کرو. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, شاید تم میری بات کو سمجھ نہیں رہی ہو. اینی مالا اب جن بھوت سے نکل کے شیشے اور پھول کے پیچھے پڑ گئی, بس کر دو یار, ان سب چیزوں کو چھوڑ بھی دو اب. چلو اٹھو جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے بنا, مجھے بھی کھلا اور خود بھی کھا, دونوں بہنیں مل کے کھاتے ہیں اور پھر شادی کے پروگرام بنا. جلدی سے جاؤ, پکڑ کے لے کے آتی. جلدی جاؤ, جلدی آنا, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. باہر سے چلا گیا, اندر کیوں نہیں آیا؟ بیٹا اسے میں نے بہت کہا تھا کہ اندر آؤ, آ کے سب سے مل لو. کہنے لگا کہ نہیں ابھی تو میں جلدی میں ہوں, واپس آ کے ملوں گا سب سے, دیر ہو رہی ہے مجھے. خالیان بہت محنتی بچہ ہے, بس اپنے کام کی دھن میں لگا رہتا ہے. ہاں بھائی یہ تو میں نے عالیہ کے گھر رہ کر دیکھا ہے کہ وہ کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا وقت کا پابند ہے اور کتنے طریقے سے سارے کام کرتا ہے. ماجد میاں ایک بات کرنا چاہتی ہوں میں تم سے, ایک تجویز ہے میرے ذہن میں, اگر تمہیں پسند آ جائے تو. جی جی خالہ جان کہیے. بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہم مالا کی رخصتی کے ساتھ اینی کو بھی نمٹا دیں. دیکھو گھر کی بات ہے,
अगर कुछ रह भी गया तो लेना देना बाद में होता रहेगा। पता नहीं क्या मुसीबत हो गई, इतनी जल्दी शादी करवा रहे हैं। सुन रही हो तुम, बाहर क्या बातें चल रही हैं? कल मंगनी हुई और आज इनको शादी करवानी है। भाई मैं नहीं करूंगी इतनी जल्दी शादी, जाओ और जाके कह दो इनसे। जी पता नहीं क्या पड़ गई शादी। ओ हेलो मैडम, तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ कोई भी हो? हाँ बोलो क्या हुआ? मेरा आधे घंटे का ना जवाब भी शिकवा जाया चला गया, मैं नहीं बता रही अब। अरे बाबा तुम मम्मी अब्बू को जानती हो, वो कहाँ इतनी जल्दी शादी होने देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इतनी जल्दी दो बच्चियों की रुख्सती एक साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए ना, नाना करते हुए कपड़े जूते सेवर कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो कि वाकई इतनी जल्दी सब कुछ होना है तो मुश्किल। ऐनी की जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, और वैसे भी ज्यादा अरसा मंगनी रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है फिर मैं आलिया से कह दूंगी कि भाई जरा छुरी तले दम ले, आखिर लड़की कहीं भागी तो नहीं जा रही ना। ऐसे ना कह दीजिएगा, पूरा मान जाएगी वो। खालाजान आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं माजिद मियां, मैं कैसे तुम्हारी बात का बुरा मान सकती हूँ, तुमने तो मेरा मान रखा है एनी और अंसर का रिश्ता तय करके। हाँ बेटा तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो इस तरह से अचानक। बस आंटी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता चलूं। अच्छा किया। आंटी अंकल कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो खाला अम्मी को लेकर किसी के घर गए हैं। आओ तुम बैठो। जी जी प्लीज। सिद्रा बेटे देखो कौन आया। आप यहाँ कैसे? बस घर का रास्ता भूल गया था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। जी obviously तुमसे मिलने आया हूँ। तो फोन आपके हाथ में, मैं कब से आपके मैसेज का इंतजार कर रही थी, और ऊपर से फोन भी आपने बंद कर दिया। लेकिन पैगाम देने वाला तो खुद आ गया ना। बात तो मैं आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपसे जीतना कौन चाहता है, हम तो हारना चाहते हैं, वो भी आपसे। वालेकुम अस्सलाम। कहो मियां क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से तो आए हो ना? बस अंकल यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बिल्कुल सही सोचा तुमने, भाई दिन में तो बड़ी अफरा तफरी रहती है, तुमसे ढंग से बात ही नहीं हो पाती। अब जरा चाय बनवाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। जी बिल्कुल ठीक अंकल। हलामा ये देखिए आपके लिए गरम गरम सूप बना के लाई हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, पी लेना। अभी ठहर के पीऊंगी जरा। अच्छा क्या पढ़ रही है? बस बेटा हर बीमारी की शफा अल्लाह के कलाम में है, वही पढ़ पढ़ के फूक रही हूँ। बेशक बेशक। आपने माजिद से बात की थी? हाँ मैंने माजिद से बात की थी, वो अभी इतनी जल्दी के लिए तैयार नहीं है, ये है। अच्छा वैसे मुझे अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कह के देखूं। हाँ बेटा कहने में क्या हर्ज है, तुमने अपनी कह दी और उसने अपनी मजबूरी बता दी, बस चले कोई बात नहीं। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन अंसर की दुल्हन तो इस घर में आएगी ना, तो बस
माफी से काला अम्मा, मेरा आंसर जितना अब खुश है ना, पहले मैंने कभी नहीं देखा उसे इतना खुश। मुझे तो पता ही नहीं था वो एनी को इतना पसंद करता है। ये सब बाप की वजह से मुमकिन हुआ। मेरी वजह से नहीं, ये तो सब नसीबों के खेल है भाई। कौन जानता है कि किसकी किस्मत में कौन लिखा है, ये वक्त ही बताता है। बस एक बात और कहूँगी मैं तुमसे, और उस पर अमल भी करना। अब अपने भाई की बेटी को बहू बनाकर इस घर में ला रही हो ना, तो फिर बेटी समझ कर रखना, बहू मत समझना। अरे खाला माँ, आप फिक्र ही ना करें, एनी को मैं बहू थोड़ी बना के ला रही हूँ, वो तो मेरी बेटी है। तुम और अंजा कितना खुश नसीब हो ना कि तुम दोनों के दूसरे के साथ मिला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने नहीं लग गई मेरी बहन। हाँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए और तुम भी ज़रा बड़ी हो जाओ। नहीं, जल्दी इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें माला, ये देखो फाइनली अंजर भाई ने अपनी पिक्चर चेंज कर ली है। नहीं हाँ दे, अब तो भाई कहना छोड़ दो यार। अब आता था ना, क्या करूं, जबकि तुम बचपन से जानती थी कि तुम्हारी और अंजर की बात पक्की है। यार मैं कोशिश तो करती हूँ, अब आते जाते जाते ही जाएगी ना। वैसे एनी, तुम और अंजर कितना खुश नसीब हो ना कि तुम दोनों के दूसरे के साथ मिला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने नहीं लग गई मेरी बहन। हाँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए और तुम भी ज़रा बड़ी हो जाओ। अच्छा तुम ये छोड़ो, पिक्चर देखो, अच्छे लग रहे हैं ना? अरे हाँ, कितना चेंज लग रहे हैं सर इसमें। अब मैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत मजाक उड़ा रहे थे आप मेरा और माला का। आइंदा के बाद किसी भी न्यूली अटैच कपल का मजाक उड़ाने का सोचूंगा मैं नहीं, प्रॉमिस। आपको मेरी क्या जरूरत है, आप तो एनी को खुद ले जा सकते हो। अब नहीं ले जा सकता। तो भाभी से कांटेक्ट करें ना, वो तो जरूर। सही, मैं माला को बता दूंगा कि जनाब ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नहीं, आई एम 100% इन, आज ही चलते हैं। तो प्लान तो करो ना कुछ। प्लान क्या करना है यार, प्लान तो मुझे करना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है। तुम्हारी तो कजन है। ऐसी बात नहीं है यार, वैल्यू तुम्हारी भी बहुत ज्यादा है। चलो कुछ करते हैं प्लान। ओके, Thank you.
वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। तुम हमारे बीच क्यों आ रही हो? तुम क्यों अपनी दुनिया छोड़ के इस इंसान के लिए यहाँ बैठे हो? तुम मुझसे और माला से दूर रहो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। इतनी जल्दी इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मुझे किसी से नहीं मिलना। वो तुम्हें कैद किए बगैर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे सबर को मत आजमा, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी जान ले लूं। चली जाओ यहां से। चली जाऊंगी, पर तुम्हें उससे मिलना होगा। इतनी आसानी से तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। भी वक्त है, दूर हो जा इससे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। ए जाओ यहां से, छोड़ो, दूर हो जाओ इससे, जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। अंसा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ हाँ पूछो पूछो। तुम मुझे यहाँ झूठ बोल के क्यों लेकर आए हो? यार कुछ देर इंतजार नहीं होता तुमसे, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। अंसर, इतने सारे काम थे अम्मी को, सिर्फ तुम्हारी वजह से परमिशन दी है उन्होंने। पता है मुझे। अजीब हो, क्यों ये करवाओ, मुझे बता तो दे। अब पता चल गया यार। तो वही वजह थी मुझे पता। तो क्या हो गया, इसमें बड़ी बात तो नहीं है। ये तो नू, इसीलिए आप मुझे कॉलेज से इतना जल्दी लेकर आए। कैसी हो वाला? बासित, आपको पता है ये अंसा मुझे झूठ बोल के लेकर आया, कह रहा था कि एनी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना है। जी, और बासित भाई ने भी मुझे यही कहा। कितनी गलत बात है ना बासित भाई। हाँ तो भाई और क्या करते, अब दो घड़ी यहाँ सुकून से बैठो, चले माला। जी ना ना, हम अलग बैठेंगे, ये लोग अलग, दो घंटे बाद मिलते हैं। जी दो घंटे, और वो भी इनके साथ? बासित भाई अम्मी अम्मी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं अम्मी, वो हॉस्पिटल में डेड बॉडी देख ली है। अच्छा छोड़ो, मैं लेके चलती हूँ उसके कमरे में। क्या अल्लाह खैर, क्या हो गया है, क्या करती हो लड़की? बाले समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह समझाऊं इसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, इस वक्त में लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, हर बात का असर लेती है। अब्बू आपको नहीं पता, बहुत कम अकल है, थोड़ी थोड़ी बातों पर डर जाना, वहम करना, और तो और मुझे कह रही है कि माला को किसी पीर फकीर को दिखाऊं। क्यों,
ऐसा क्यों कहा उसने? अब वो सोते हुए डर जाती है। मैं तो समझा के थक गया हूँ, लेकिन उसकी बात ये समझ में नहीं आती। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए सिद्धरा। क्या कहूँ उससे, अब उसकी तबीयत वैसे ही खराब है। आजिज आ गया हूँ। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी अम्मी से कहता हूँ, वो समझाएंगे उसे। खैर अबू मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप अम्मी को बता दीजिएगा मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तुम्हें आज बताना होगा। जरूरी तो नहीं है। जरूरी है? मैं आपको घर जाके बताऊंगी फोन करके। फोन पे क्यों, यहाँ बताना होगा मेरे सामने मेरी आंखों में आके डाल के। अम्मी का फोन आ रहा है, हमें चलना होगा, बहुत देर हो रही है। प्लीज माला, प्लीज चलने, देर हो रही है। ये देखें अम्मी की कॉल आ रही, पता नहीं कहाँ रह गए, आज मरवाएंगे ये लोग, देखना। तो टेंशन क्यों ले रही हो, अम्मी को तो बता कर आए ना कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, और मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ, कॉलेज से गायब हो गई। वो मेरा मसला नहीं है भाई, वो तुम्हारा मसला है, तुम खुद ही हैंडल करो। अंसर आप कॉल करें माला को, शायद उठा ले। बार बार अंसर अंसर क्यों बोल रही हो, तुम्हें मेरा नाम इतना अच्छा लगता है क्या? आप नहीं सुधरेंगे कभी भी, पता नहीं कहाँ रह गई। आप फोन करें जल्दी से माला को। लो कॉल आ गई माला की, उठाए फोन। हेलो, अच्छा चलो ठीक है, आ रहे। आ गई, चलो चले। जा तो रहे। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग, पता है मम्मी की कितनी कॉल आ रही थी। सच? लो तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, पता है अब तक अबू भी आ चुके होंगे। माला बस भी करो, उसको डराना बंद करो, अब पासित को साथ ले जाना। आंसर इसमें डराने की क्या बात है, अम्मी का गुस्सा नहीं दे। क्या बदतमीजी है, ए आज छोड़ उसका। तो छोड़ दूंगी, वो नहीं छोड़ेगा इसे, वो नहीं छोड़ेगा इसे। बासित भाई इसको कुछ पैसे दे, पता नहीं कौन है। ये लो, अभी वक्त है, दूर हो जा इससे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, सबकी बर्बाद कर देगी ये। ए जाओ यहां से, दूर हो जाओ इससे, जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। माला चलो यहां से, माला सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये, जाओ से, दूर हो जाओ, जिंदगी बर्बाद कर देगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी तुम्हारी, बर्बाद कर देगी। अम्मी आंसर तो मुझे आपसे पूछ कर ही लेकर गया था, ऐसे उसे क्या घूर रही हो, ये तो दूध पीती बच्ची थी, रोटी को चोची बोलती है, मुंह उठाकर चल पड़ी। नहीं अम्मी, पता है बासित भाई मुझे कह के गए थे कि एक लफ्ज मत बोलना, ज्यादा सफाइयां पेश मत करो। बासित ने माँ को फोन करने से भी मना किया था कि माँ को नहीं बताना। अम्मी इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी वजह से गई थी। ये बेचारी है, पता नहीं कब तक बेचारी रहेगी ये, माँ को बताना गवारा नहीं किया। यार इतनी परेशान थी मैं, तुम लोगों को माँ का जरा एहसास नहीं है। और वाला खबरदार, आज के बाद तुम भी बाजारों में नहीं जाओगी, सर पे शादी और तुम बाजारों में घूम रही हो, शादी वाले दिन नूर भी नहीं चढ़ेगा। वो तो बासित भाई को देख के आ जाएगा। बहुत बातें बनाती हो तुम, बासित भाई को देख के आ जाएगा, शर्म नहीं आती, जाके अपना कमरा चेक करो कितना गंदा हो रहा है। और आज के बाद घर से बाहर कोई कदम नहीं निकालेगा, दो दिन बाद मेहंदी है और ये मोहतरमाएं बाजारों में घूम रही हैं। अम्मी ने क्या कहा, और यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाके किचन में भाभी को देखो, अकेली काम कर रही हो सुबह से, ये लड़कियां बड़ी कब होंगी। ठीक, चलो तुम जाओ जल्दी से,
साला मुझे लग रहा है शादी का जोड़ा है। हाँ तब प्यार है, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाओ इसको। ऐसे नहीं है इसके स्टू। अरे यार इसको भी अभी जाना था। रुको मैं कैंडल जलाती हूँ। जल्दी जला रही माला। एनी सबर कर लेते हैं। तुम बिना एनी बहुत चल्लम चल रही हो। एनी देख के हाथ ना चला लेना। अरे लड़कियों ये कैंडल क्यों जलाई हुई है? मेरे कमरे से इमरजेंसी लाइट ले आओ। तो यूपीएस ने भी अभी खराब हो रहा है, तो ऊपर से यूपीएस वाला आने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक सोए नहीं? कल तुम्हारी बारात है, थक जाओगे। क्या बात है, कुछ परेशान हो? कुछ नहीं अम्मी। कॉल किसको कर रहे हो? फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है। आप समझी। अरे सिर्फ 24 घंटे की तो बात है, फिर दिल भर के बातें कर लेना। चलो उठो, शाबाश, थक जाओगे नहीं तो। एनी ये क्या किया है तुमने? कल शादी और शादी का जोड़ा जला दिया, अब क्या होगा? रिजवाना को क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी आपको पता है मैंने बहुत एहतियात से कैंडल जलाई, उसके बाद जब मैंने हाथ में पकड़ी थी मेरे हाथ से पता नहीं कैसे गिर गई। ये एहतियात की है? मैंने मना भी किया था कि कैंडल मत जलाओ, इमरजेंसी लाइट ले आओ। क्या हो जाता है तुम्हारे दिमाग को? क्या करूंगी मैं? अरे बेगम छोड़िए, ये बताएं कि आप करना क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करना है। ससुराल का मामला है और ये अम्मी मेरा यकीन करे मैंने जान के नहीं किया, मेरे हाथ से खुद ब खुद कैंडल गिर। एनी गलती की है तो उसको मानो भी दे के रखूंगी दो थप्पड़। नखरे देखो अब इनके। छोड़ो जाने दें उसे, बात बढ़ाने से बेहतर है कि उसका हल निकाला जाए। और माला बेटा ये जो भी कुछ हुआ है उसका जिक्र सिदरा से मत करना। मेरे पास तो एक ही है, कल जाके शादी का नया जोड़ा खरीद के ले। मेरा ख्याल है इसमें छुपाने वाली बात कोई है नहीं। देखिए हादसा तो कभी भी और कहीं भी हो सकता है, आप सुबह उन्हें कॉल करें और बता दें। खासी समझदार खातून। आप कहते हैं तो बता देती हूँ उनको, लेकिन देखिए ना मेरी बेटी का तो शगनों का जोड़ा था, बदशगुनी हो गई। एक तो आप हर बात में वहम करती हैं, कोई परवरदिगार उसका नसीब अच्छा करे बस। I'm really sorry, माला। यार मैंने जान के नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया खुद ही। जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये कैंडल ऐसे ही नहीं गिरी। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है वो माला हद होती है यार, बस कर दो ड्रामों को अपने। इससे तो बेहतर था कि मैं कहती कैंडल मैंने ही गिराई।
चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी चाय? बना दो। बहुत गर्मी थी भी आज तो। आज तो बाजार में चल चल के थक गया मैं, सर दर्द कर रहा है। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी बहुत गर्मी थी। पानी पिलाऊं? अरे साहब ये लीजिए पानी, मैं लेकर आ गया, ये लीजिए। क्या जरूरत थी आपको? सिद्रा को कहते थे वो लेकर आ जाते। अरे मियां पानी पिलाना तो सवाब का काम है, और वो भी बीवी को। आज मैं उन बयाना ख्वाबों से हमेशा हमेशा के लिए पीछे छुड़ा के एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मेरे इस डर और अनजान खौफ को आपकी मोहब्बत ने हरा दिया बासित। आज मुझे तन्हाई से डर नहीं लगता, क्योंकि इस तन्हाई को आपकी यादों ने संवार दिया है। खुदा करे हमारा ये साथ।